हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 21 फॉर योर एमसीक्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशू, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ, बट क्वेश्चंस कैन आल्सो हेल्प यू इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सीएपीएफ एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स एज वेल। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर, we have the MCQ course. This is a non-video MCQ course that we are running, in which MCQs are provided to you for labor laws, social security and general accounting principles. All right. So description mein link hai, ya fir aap website ke upar ja kar ke bhi isko explore kar sakte ho, www.siksha.com. We also have a free test for this. Ek humne free test rakha hai sample ke form mein, taaki aap usko ja kar ke attempt karo and then you can make the informed purchase. All right. एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और ईमेल मी एट दिस पर्टिकुलर आईडी, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, इट्स अ रिवीजन प्रोसेस। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को आप देखिए एंड अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड द ट्रेसेबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम ग्रेपनेट। ओके, ग्रेपनेट नाम का ट्रेसेबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम है एक, ये किसने बनाया है? बेसिकली फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया FCI, नबार्ड, अपेडा दैट इज़ योर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल एक आपका जो है फैक्ट यहाँ पर है और आता या नहीं आता वाला सिनेरियो हो जाता है। सो इस केस में आपका आंसर जो रहता है दैट इज़ योर ऑप्शन सी। अपेडा जो है आपका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली है क्या। वेब बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ट्रेसेबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसके अंदर आपके जो फ्रेश ग्रेप्स हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से यूरोपियन यूनियन में, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, कि क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आप ट्रेस कर सकते हो कि क्या उनकी करंट लोकेशन है ऑन ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। क्वालिटी वगैरह को भी आप वहाँ पर सर्टिफाई करेंगे। ओके, सो कंसाइनमेंट को बेसिकली ये ट्रेस करता है। सो दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड रिपोर्टिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेसेज। इतना डिटेल में अपने को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेनली जो हम ग्रेप एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, उनको ट्रेस करने के लिए अपेडा ने एक ये जो है सिस्टम बनाया है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बहुत माइनर सी न्यूज़ है, पर कई बार यूपीएससी इन्हीं माइनर न्यूज़ के ऊपर जो है आजकल खेलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा सुहेलदेव। अब ये राजा सुहेलदेव भाई साहब जो थे, सॉरी अगर किसी को कोई बुरा मत मानना कि मैंने भाई साहब बोल दिया, पर क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको थोड़ा सा कई बार आपको याद रह जाए, इसीलिए कई बार इस तरह की टर्म्स यूज करी जाती हैं। सो राजा सुहेलदेव, ही रूल्ड इन प्रेजेंट डे गुजरात एंड वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद ऑफ गौर। ऑप्शन स्टेटमेंट टू कहता है, मिरात ए मसूदी इज़ द बायोग्राफी ऑफ राजा सुहेलदेव विच वॉज रिटन बाय सलर मसूद। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर ये राजा रजवाड़ाओं की बातें आप कर रहे हो, तो मिडिवल और एंशियंट इंडिया तो अपने सिलेबस में नहीं है ईपीएफओ के, अपने सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। तो करंट अफेयर एंड डेवलपमेंटल इशूज़ आपके सिलेबस में है और ये करंट अफेयर का ही पार्ट है, कैसे वो भी अभी देखेंगे। ऑप्शन आपके पास ये रहे, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है। तो अपने से इनकरेक्ट ही पूछा गया है, इसीलिए अपन ने बोथ आंसर कर दिया है। यहाँ पर न्यूज़ में क्यों था सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन रखा था महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का, ठीक है, और इस मेमोरियल के साथ साथ एक चित्तौड़ा लेक भी है जिसको डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश के बहरेच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महाराजा सुहेलदेव के बारे में अगर हम देखें, सो ये रूलर थे शरावस्ती के, जो आपके यूपी के अंदर है प्रेजेंट डे बहरेच डिस्ट्रिक्ट में। तो अपने को ऑप्शन में गुजरात गिवन था, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। 11th सेंचुरी के रूलर थे, ओके, और 11th सेंचुरी वो पीरियड है जब आपका मोहम्मद गौरी वगैरह इंडिया के अंदर अटैक कर रहे थे। ऑलराइट, और मोहम्मद गौरी जब अटैक कर रहे थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी अल्टीमेटली जो है आपके हरा दिया था। ओके, सो ही इज़ नोन इन द हिस्ट्री फॉर वेजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट मोहम्मद गजनीज लार्ज आर्मी। अब देखो स्टेटमेंट में अपने पास क्या गिवन था, स्टेटमेंट में अपने पास गिवन था मोहम्मद गौरी गिवन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, महमूद गजनी के टाइम पर ये आपके जो हैं
राजा महाराजा सुहेल देव थे, ओके, एंड हिज आर्मी डिफीटेड एंड किल्ड गाजी सलार मसूद, ये मोहम्मद गजनी का नेफ्यू था, ठीक है। और राजा सुहेल देव का हमें एक मेंशन मिलता है मिरात ए मसौदी के अंदर, जो 17th सेंचुरी पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरिकल अकाउंट है, ठीक है। मिरात ए मसौदी जो है ये सलार मसूद की जो है बायोग्राफी है, जिसको अबद उर रहमान चिश्ती ने लिखा है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मेंशन आ जाता है राजा सुहेल देव का, लेकिन ये राजा सुहेल देव की बायोग्राफी नहीं है। तो अपने को तो पहले उसने बोला कि ये राजा सुहेल देव की बायोग्राफी है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, ये जो बायोग्राफी है ये सलार मसूद की है, और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है अबद उर रहमान ने। तो ये सारे फैक्ट्स आपको स्टेटमेंट के अंदर गलत गिवन थे, और ये किताब अबद उर रहमान चिश्ती ने मोहम्मद जो आपके जहांगीर हुए हैं मुगल एम्परर जहांगीर उनके समय पर लिखी थी। लोकल फोकलोर में जो आपके लोकल गीत होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, वहाँ पर सुहेल देव को जो है राज बहार भी कहा जाता है, ओके, लोकल स्टोरीज में जो फोक स्टोरीज होती हैं या फोक सॉन्ग्स जो आपके होते हैं, ठीक है जी। चलिए, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ब्लू इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लू इकोनॉमी टर्म तो ईजी है, मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, ग्यूंटर पॉली। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देखो यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, जैसे ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इनके अंदर ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने को पता होना चाहिए। सो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ग्यूंटर पॉली ने, ऐसा पहला स्टेटमेंट आपको कहता है। दूसरा स्टेटमेंट, इट एडवोकेट्स, इट मतलब ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी एडवोकेट्स द ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशन हेल्थ। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग का क्या मतलब हो गया कि वहाँ पर हम जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज हैं, उनको हम ग्रो करें अल्टीमेटली। सो वट इज आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज आर करेक्ट, ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या नीदर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस इनको दो माना जाता है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये नहीं आते, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं या फिर छोड़कर गलत करके आते हैं, ठीक है। आंसर इस केस में आपका क्या है, ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हर जगह पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ग्यूंटर पॉली इज़ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी में ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की भी बात की जाती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जा सके, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली है इंडिया की, और अभी इन्होंने उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपन रखा है कि हाँ भाई, जिसको जो अपने डाउट्स वगैरह हैं वो एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। तो ये जो ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये ग्यूंटर पॉली ने अपनी एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब्स। ये किताब भी आपके ईपीएफओ के पेपर में तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, या सीडीएस का अगर आप पेपर दे रहे हो, एनडीए का आप पेपर दे रहे हो, ओके। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इट इज़ द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। अब ब्लू इकोनॉमी है क्या, कि आप ओशन के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिशरीज रिसोर्सेज हैं, जो भी ओशन के रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज़ करो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड इंप्रूव करने के लिए, जॉब्स बढ़ाने के लिए, लेकिन आप उनको सस्टेनेबली यूज़ करो, ताकि आप ओशन की जो इकोसिस्टम हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रख सको, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये जो आपका ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की बात करता है, ताकि आप ओशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको। ब्लू इकोनॉमी ऑल्सो एम्फसाइजेज ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओशन इकोनॉमी विथ सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कंबाइंड एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। सो अल्टीमेटली इकोनॉमी को आपने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक कर दिया, तो वो आपका ब्लू इकोनॉमी आ गया, ओके। सो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ब्लू इकोनॉमी इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सस्टेनेबल एनवायरमेंट, ओके। सो दिस इज योर ब्लू इकोनॉमी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज नॉट इन्वॉल्व्ड और वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल न्यूज़ के अंदर था, तो कौन सी एजेंसी इसको बनाने में या इसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्ड, ओके, नॉट इन्वॉल्व्ड। तो जाहिर सी बात है कि कोई तीन एजेंसीज ऐसी होंगी जो इन्वॉल्व्ड हैं, और कोई एक एजेंसी ऐसी है जो इन्वॉल्व्ड इस केस में नहीं है। ई छावनी, छावनी बेसिकली इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं,
जो आपके कंटोनमेंट एरियाज होते हैं, जो आर्मी कंटोनमेंट एरियाज होते हैं. ऑल राइट, सो आंसर इस केस में आपका ऑप्शन डी है. जनरली बच्चे कहते हैं कि इफ़ समथिंग इज़ रिलेटेड टू डिफेंस, समथिंग इज़ रिलेटेड टू आर्मी, अगर किसी को ये आंसर ना आता होता और वो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता या करती, तो सबसे पहले वो DRDO को तो कहता कि नहीं यार, DRDO तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाई है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो होगा. ये हमारा एक माइंडसेट होता है, पर इस माइंडसेट के साथ कभी कभार आंसर गलत भी हो जाते हैं, जैसे इस केस में. तभी आपके जानबूझकर यहाँ पर ऑप्शन DRDO भी रखा गया. ठीक है, तो तीन एजेंसीज इसको बनाने में इन्वॉल्व हैं, ई छावनी पोर्टल को. वो कौन सी हैं आपकी? निक, दैट इज़ योर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, बेल, दैट इज़ योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड देन इज़ योर DGDE, दैट इज़ योर डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स. इन तीनों ने मिलकर के ये ई छावनी पोर्टल बनाया. ई छावनी पोर्टल बेसिकली इसके अंदर आपका ई गॉव फाउंडेशन भी है जो इसमें इन्वॉल्व है, और बेसिकली ये ऑनलाइन सिविक सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा. जो भी रेजिडेंट्स होते हैं कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज में, कंटोनमेंट एरियाज के जो रेजिडेंट्स होते हैं, उनको सिविल सर्विसेज, सिविक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट टू रेपुटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया भाई, विच इज इंस्पायर्ड बाय योर करंट अफेयर्स. सो राइट टू रेपुटेशन आपके आर्टिकल 21 में आता है. राइट टू, आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यही है आपका आपका आर्टिकल 21. ऑल राइट, तो इसके अंदर आपका राइट टू रेपुटेशन भी आता है. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है. ऑप्शन टू कहता है कि डिफेमेशन जो होता है दैट कैन ओनली बी अ सिविल ऑफेंस इन इंडिया, सिर्फ सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आपने बताना है. देखो आपका जो आर्टिकल 21 है ना, टेक अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी, आर्टिकल 21 के अंदर देर आर वेरियस थिंग्स, लाइक आपका उसमें आ जाता है एक राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. तो ये सारे आपके काफ़ी सारे ये पार्ट्स हैं जिनको डिफरेंट टाइम्स पर जो आपकी जुडिशरी है उसने बोला है कि ये इंटीग्रल पार्ट बनते हैं आपके आर्टिकल 21 के. तो वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, वो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपने एक दो बार उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए. ठीक है, वो ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन पर भी और बुक्स वगैरह में भी गिवन होती है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना. तो राइट टू रेपुटेशन जो है वो भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट बन करके आता है अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशरी इन इंडिया. ओके, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है. डिफेमेशन इंडिया में आप दोनों सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों की कैटेगरी में आता है. सो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए. न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि दिल्ली में अभी एक कोर्ट में एक बंदे ने केस लगाया था क्रिमिनल डिफेमेशन का. ठीक है, वो एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, तो इन्होंने केस किया था एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट कि इस जर्नलिस्ट के ट्वीट्स की वजह से, इस जर्नलिस्ट ने बेसिकली उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट के ट्वीट्स किए थे. ऑल राइट, एंड आप सब जानते भी हैं उन मिनिस्टर का नाम, शायद पिछले 2-3 साल में ही वॉज 2 साल पहले जब ये केस आया था, मी टू कैंपेन जब चला था आपका मेनली बॉलीवुड के अंदर, तभी ये न्यूज़ देखने को आई थी. तो जब कोई सबूत नहीं मिले मंत्री साहब के खिलाफ, तो मंत्री साहब ने बोला कि अब मैं तेरे अगेंस्ट केस करूँगा, तूने मुझे डीफेम करने की कोशिश की है. तो दिल्ली कोर्ट ने क्या बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्टर ने क्या बोला था कि मेरा एक राइट ऑफ रेपुटेशन है जो मेरे को आर्टिकल 21 मेरा देता है. ठीक है, और इस लड़की के ट्वीट्स की वजह से मेरा जो राइट ऑफ रेपुटेशन है वो मुझसे मुझे डिनाई किया गया. तो वो दिल्ली कोर्ट में चला गया. दिल्ली कोर्ट क्या कहता है कि आप राइट ऑफ रेपुटेशन को नहीं लेकर के आ सकते एट द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमेन. ठीक है, अब आप एक पर्टिकुलर वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट अगर कुछ हुआ है और वो वुमेन ने एक्सप्रेस किया है, दो वो प्रूफ नहीं हुआ. देखो बात ये बेबुनियाद सी है कोर्ट की भी. अब अगर फॉर एग्जाम्पल कल को खड़े होकर के कोई आपको बोल दे, डोंट टेक इट एज फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म या एंटी वुमेन मत लेना अपने टीचर को, किसी लड़की ने किसी के भी खिलाफ कुछ बोल दिया, ठीक है, कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा और दिस पर्टिकुलर बॉय रेप्ड मी, कोई सबूत नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ अल्टीमेटली, एंड विदाउट एनी प्रूफ आपने उसको तो कम्प्लीटली डिफेम कर दिया. अब ये जो मंत्री साहब जो क्वेश्चन में हैं,
इनको रिजाइन करना पड़ गया था अपनी पोस्ट के ऊपर से. ही वॉज इन्वॉल्व, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इनको अपनी पोस्ट से रिटायर जो है रिजाइन करना पड़ गया था. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज इनोसेंट, बट ही हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड गिल्टी ऑल्सो. आपने उनको गिल्टी भी नहीं प्रूव किया. सो आप सिर्फ एक वर्ड के ऊपर जा रहे हैं. ओके, सेम इज द केस. आज से 3-4 साल पहले एक केस हुआ था. द केस वॉज विद अ बॉय नेम्ड सरबजीत और समथिंग लाइक दिस. ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, देर वॉज अ इंसिडेंट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल. तो कुछ लड़का और लड़की में बहस हो गई छोटी मोटी, एंड लड़की सेड कि लड़के ने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी हैं और ये सब फलाना ढिमकाना मुझे छेड़ा है, मुझे गंदी गंदी बातें बोली. अल्टीमेटली द करियर ऑफ दैट बॉय वॉज कम्प्लीटली रुइंड और वो लड़का रोता रोता थक गया. एंड उसकी इनोसेंस की गारंटी आप देखोगे आज की डेट में ऑलमोस्ट सब लोग ले सकते हैं. इवन द गर्ल्स कैन टेक दैट बिकॉज प्रूफ हो गया था. मीडिया के अंदर ट्रायल चला प्रॉपर कि यार तूने ऐसा किया है, उसको फोर्स किया गया, उसके मुंह के अंदर अंगूठा डाल दिया गया कि नहीं तू बोल ऐसा तूने ऐसा किया. अल्टीमेटली उस लड़के का करियर रुइन हो गया था, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था, उसको कहीं और जॉब नहीं मिली, उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. ठीक है, सेम इज विद दिस मिनिस्टर ऑल्सो. अच्छा खासा बेचारा मंत्री बना हुआ था. अब मैं बेचारा इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं हुआ है. लेकिन सेट दिस, इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि नकली चार्जेस लगाने वाले अगर दो हैं तो ऐसे 10 लोग, ऐसी 10 औरतें हैं बेचारी जिनको जो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है. इसीलिए इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है या जो लॉ है वो फेवर करता है कि हम वुमेन की साइड जो है उसको ज़्यादा लें ताकि जो 10 डिप्राइव्ड वुमेन है कम से कम वो आगे आने की हिम्मत करें. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को नहीं पता या लॉ को नहीं पता कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे कानून में, पता है. बट ओवरऑल सोसाइटी को देखते हुए एक तरह से आप ये लगा लो कि ये जो इन जैसे जो लोग होते हैं वो एक तरह की सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द लार्जर गुड. ऑलराइट, सो राइट ऑफ रेपुटेशन में कोर्ट ने कहा कि भैया राइट ऑफ रेपुटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वुमेन की डिग्निटी या राइट ऑफ लाइफ से उनको लें. ओके जी, नाउ राइट ऑफ रेपुटेशन के मामले में एससी क्या कहती है कि रेपुटेशन इंटीग्रल पार्ट है आपके आर्टिकल 21 का. ठीक है, इतना ही इसमें जानने की जरूरत है, ज़्यादा हमें एनालिसिस में घुसने की जरूरत नहीं है. और डिफेमेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट था ये सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है. गॉट द आइडिया. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाओ. साइंस बेस्ड क्वेश्चन है. परसेवरेंस रोवर से रिलेटेड स्टेटमेंट कंसीडर करनी है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है. स्टेटमेंट टू, एम्स टू स्टडी द जियोलॉजी ऑफ मार्स एंड साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ. तो बेसिकली मार्स का कोई मिशन है. ठीक है, प्लैनेट सही है या नहीं ये पता होना चाहिए. और जेजीरो कार्टर क्रेटर ऑन मार्स इज द लैंडिंग साइट ऑफ द रोवर. देखो अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो सेकेंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही है ना. तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, पहले तो स्टेटमेंट देखो 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3. अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वंस अगेन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, लेकिन ईपीएफओ में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर में देख करके हमें पता है. ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो ईपीएफओ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस साल से. ठीक है, दूसरी चीज़ जो डायरेक्ट ABCD वाले फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन निकल सकते हैं. सीधा पूछ लेता परसेवरेंस रोवर कौन सी स्पेस एजेंसी का है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. परसेवरेंस रोवर जो मिशन है जो किसका है, नासा का है. ठीक है, नासा है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. गलत गलत गलत, तो करेक्ट 2 एंड 3 ओनली होगा. ठीक है, अब नासा का है और मार्स का ही मिशन है. तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता, द परसेवरेंस रोवर विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा और विच इज अ मिशन ऑफ नासा इज फॉर व्हाट पर्पस. ऑप्शन ए, इट इज अ रोवर मिशन फॉर मार्स, और इट इज अ मिशन फॉर सन, इट इज अ मिशन टू स्टडी क्लाइमेट ऑन अर्थ, नन ऑफ दी अबव. इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में से आपके मल्टीपल फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें से डेफिनेटली आप अपना जो प्रॉपर क्वेश्चन है उसको फ्रेम कर सकते हो. सो द आंसर हेयर इज बी, 2 एंड 3 ओनली. ओके, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखें. सो रिसेंटली आपका जो ये परसेवरेंस रोवर है इसने मार्स के ऊपर लैंडिंग की है. ओके,
एंड नासा का ये मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है। मार्स की जियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मिशन बेसिकली बनाया गया है। प्रीवियस मिशंस जो हुए हैं नासा के उनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये जो रोवर है ये मार्स के सरफेस पर जाकर वहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह करेगा और वहाँ से जो वहाँ के रॉक्स और सॉइल्स हैं उनका सैंपल कलेक्ट करके अर्थ के ऊपर भेजेगा, ताकि हम मार्स की जियोलॉजी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो ये पर्सिवरेंस रोवर है, ये मार्स के जजीरो क्रेटर के अंदर इसने लैंड किया है। ये जजीरो क्रेटर जो है, इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ अ एंशियंट रिवर डेल्टा। ओके, जो आपका अब यहाँ से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि वाटर मार्स पे कभी ना कभी था, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन ने लैंड किया। ऑल राइट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवेंथ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू पर्टिकुलेट मैटर 2.5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पहला, इट इज़ एन एंडोस्ट्राइन डिस्रप्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज़। देखो, ये PM 2.5 वगैरह जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एनवायरमेंट का क्वेश्चन आपसे बेसिकली वो पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्टली एनवायरमेंट आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन वो आपके डेवलपमेंट इश्यूज के पार्ट में आ जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट इशू में, क्योंकि डेवलपमेंट इशू की जब मैं बात करता हूँ, तो डेवलपमेंट इशू में एक मेरा जो मेन इशू आता है वो आता है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है, ये जो सिलेबस होते हैं ना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इनमें जो सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं इनका स्कोप इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा उस केस में हम नहीं करेंगे। एंड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नर टू। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू PM 2.5। गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, सो द आंसर इन दिस केस विल बी योर ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया करके NGO है, इन्होंने अभी एनालिसिस वगैरह किया थोड़ा सा, और इन्होंने बताया कि एक इकोनॉमी को एयर पोल्यूशन की वजह से कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से जो PM 2.5 का एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर देखने को मिला 2020 में, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर 54,000 लाइव्स गई PM 2.5 एयर पोल्यूशन की वजह से। ओके, नाउ अब ये PM 2.5 आपका होता है क्या, बेसिकली जो आपका पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, काफ़ी छोटा साइज होता है। एंड बेसिकली ये PM 2.5 आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, विजिबिलिटी आपकी रिड्यूस कर देता है, ये लोगों के एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करता है बेसिकली, जो आपका इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन सिक्रीशन करता है जो। ठीक है, एंड अल्टीमेटली डायबिटीज़ जो है इसकी वजह से आपको लोगों के अंदर देखने को मिलती है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंडिया के अंदर निकाला जाता है, इसके अंदर डेली एयर क्वालिटी को रिपोर्ट किया जाता है। ये आपका डेली के डेली, अगर आप द हिंदू अखबार फॉलो करते हो, पढ़ते हो, तो द हिंदू के अंदर डेली ये आता है। एंड बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि हेल्थ इफेक्ट्स क्या, कोई एक पर्सन उस पे उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अगर वो पोल्यूटेड एयर जो है उस पर्टिकुलर डे की अगर वो बाहर निकलता है। ओके, 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के लिए आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, और वो 8 आपके पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर 10 दैट इज़ योर PM 10, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। तो ये आपके 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिसके बेस पर आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जो है एज अ पोल्यूटेंट काउंट किया जाता है, स्टेटमेंट 2। कौन सा करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते हुए चलना है चीजों को, ध्यान से देखते हुए कि कहां पर क्या क्वेश्चन फंस सकता है। 8th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। विद रेफरेंस टू ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है टू रिकॉग्नाइज सिटीज एंड टाउन कमिटेड टू अर्बन फॉरेस्ट्री। ओके, स्टेटमेंट 2 कहता है कि इट इज़ अ प्रोग्राम पार्टनरशिप बिटवीन आर्बोर डे फाउंडेशन एंड FAO, दैट इज़ योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 3 कहता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ चंडीगढ़ ही एक ऐसी सिटी है जिसको
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो मिला हुआ है, रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट अगर मेरे को नहीं भी आता ना तो मैं इसको कह दूंगा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि सुनने में ठीक लग रहा है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो इंटरनेशनल एफर्ट तो होगा ही होगा, एंड ट्री सिटीज, सिटीज आ गया तो अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, सिटीज भी है और ट्री भी है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट मैं वहां से ही इसको थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेता हूँ कि पहला स्टेटमेंट सही होगा अगर मुझे नहीं भी आता क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, प्रोग्राम पार्टनरशिप बिटवीन आर्बर डे फाउंडेशन एंड FAO, ये फैक्चुअल है, ये पता होगा तभी कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट, चंडीगढ़ इज द ओनली सिटी, ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होएगा, तो पता होगा तो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर मैं तब तक इसका नहीं दे सकता जब तक मेरे को सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है जी। सो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, देखो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आर्बर डे फाउंडेशन और FAO करेक्ट है, और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि चंडीगढ़ ही सिर्फ एक ऐसी सिटी नहीं है जिसको रिकॉग्निशन मिला है, और ये करंट अफेयर में था, क्योंकि आपकी हैदराबाद भी एक ऐसी सिटी है जिसको इस पर्टिकुलर सिटी, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्निशन मिली हुई है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। सो हैदराबाद सिटी विच इज योर तेलंगानाज कैपिटल हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये कौन रिकॉग्निशन देता है, आर्बर डे फाउंडेशन और आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली इंटरनेशनल एफर्ट है ताकि उन सिटीज़ को रिकॉग्निशन दी जा सके जो अर्बन फॉरेस्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं, ऑल राइट। एंड फाइव स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक सिटी को इवेल्यूएट किया जाता है, वो फाइव स्टैंडर्ड्स हैं, इस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो वॉट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट। इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया रख लोगे। हैदराबाद को रिकॉग्निशन मिली है रिसेंटली, एंड ये फाउंडेशन का सेकेंड ईयर है इस प्रोग्राम का, 51 और सिटीज़ हैं इसके अंदर, एंड आपका जो हैदराबाद है इट इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया टू गेट दिस रिकॉग्निशन सो फार। तो चंडीगढ़ के पास आपके रिकॉग्निशन नहीं है, चंडीगढ़ के पास आपकी रिकॉग्निशन नहीं है, ऑल राइट। क्योंकि चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी बोला जाता है तो बहुत से बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं कि चंडीगढ़ के पास तो हो गई, ऑल राइट। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विशाखा गाइडलाइंस किस चीज़ से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के, ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर जो है आपकी विशाखा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, चलिए। सो आंसर इज डी। टेंथ क्वेश्चन पर आ जाओ, वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कंडक्टेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको करती है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर, एंड जो ये 11th एडिशन हुआ था इस साल 2021 में, दैट वॉज हेल्ड इन कोच बिहार वेस्ट बंगाल। तो ये भी एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे, ऑल राइट। एंड विद दिस गाइज वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आई होप इट हैज़ हेल्प यू टू रिवाइज अ फ्यू ऑफ द फैक्ट्स, इट हैज़ हेल्प यू टू लर्न अ फ्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सम करंट अफेयर्स। सो वील मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द चैनल, सी यू।